ये मेड इन इंडिया है, यानी उनके अपने कंट्री की, और सिर्फ इंडिया में नहीं, ये दूसरे कंट्रीज में, ऑस्ट्रेलिया और दूसरे कंट्रीज में ये जो है उसे बेच रहे हैं। सर हमारी कहाँ जा रही है? हमारी बन रही है। हम गुजर रहे थे अपने होटल की तरफ जा रहे थे, तो मैंने देखा कि एक बहुत अच्छा शोरूम है, बहुत अच्छे खूबसूरत बाइक्स, हंटर 350 रॉयल एनफील्ड के हैं, बहुत सारे सीसी मोटरसाइकिल है। मेरे लिए बड़ी यूनिक चीज थी ये, इसका कलर आप देखें, बड़ा यूनिक सा कलर है, इसकी सीट्स देखें, वंडरफुल जी, क्या इसकी फिनिशिंग है इस बाइक की आप देखें कि आउटस्टैंडिंग। इसके लिए एक अलग स्टोरी है। एक्चुअली जब 1950s में पहला रॉयल एनफील्ड इंडिया में आया था, तो पहले इंडियन आर्मी ने ऑर्डर किया था रॉयल एनफील्ड को, ये वॉर पर्पस यूज करने के लिए, ये पूरा आर्मी को ट्रिब्यूट करके, कलर पे से भी समझ में आ रहा है आपको कि ये पूरा आर्मी को ट्रिब्यूट करके बहुत खूबसूरत कलर बनाया हुआ है। अब ये बाइक है, ये 350 सीसी है, हंटर इस पे लिखा हुआ है, बहुत खूबसूरत बाइक है। मेरा बड़ा दिल कर रहा है कि इस बाइक पे मैं सवार हूँ, थोड़ा सा घूमू फिरूँ। प्राइस तो इसकी मेरी औकात से बढ़ के होगी, हम खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं, तो हमें जाहिर सी बात है कोई 2-4 एकड़ बेच के इस तरह की बाइक लेनी। पाकिस्तान एक जर्नलिस्ट हिंदुस्तान जाता और बड़ी तारीफें करता है, कहता है कि भाई हम हिंदुस्तान से तकरीबन 50 साल पीछे हैं डेवलपमेंट के लिहाज से, और अंकल कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तान से आगे हैं डेवलपमेंट के लिहाज से, क्या मानते हैं? जी जी, मैं हम जितने भी इंसान मुसलमान हैं वो सबसे ऊपर कौन है, बहुत आगे चला गया हुआ है, हम लोग हर चीज में आगे चला गया, वो चांद पे पहुंच गया है, ठीक हो गया। हम लोग यहाँ पे बॉर्डर पे खड़े होकर कहते हैं हमारे बंदे का टांग ऊपर ज्यादा ऊपर जा रही है, ठीक हो गया। उसकी टांगे देखे कहाँ पे पहुंच गई, चांद पे पहुंच गई। हम लोग कोई कंपैरिजन है हमारे इंडिया के साथ में? मैं पाकिस्तानी हूँ। अगर ये इंडिया की बाइक है ना भाई, आग लगा दी, कसम से आग लगा दी है भाई, मुझे बाकी सेक्टर्स का कोई आइडिया नहीं है, बराल बाइक में आग लगा दी है भाई, मैं कहता हूँ तंबू में बंबू हो गया। बाइक तो होगी आपके पास? जी जी। कौन सी बाइक है? यामाहा की बाइक है। कितने सीसी? 125। प्राइस क्या है उसकी पाकिस्तान में? आज से करंट प्राइस उसकी अराउंड 4 लाख रुपीज है। 4 लाख रुपए की 125 सीसी, यानी 125 सीसी 4 लाख रुपए की, और वो मेड इन पाकिस्तान है। लेकिन साथ ही अगर कैमरामैन ये दिखाएं, ये बाइक्स आज भी, मैं ये समझता हूँ कि दुनिया में शायद 2-3 कंट्रीज, अफगानिस्तान, पाकिस्तान या इस तरह के कोई 2-3 कंट्रीज होंगे जहाँ पे ये बाइक्स इस तरह की यूज होती हैं। अगर इंडिया की बात करें, वहाँ पे इस टाइम जो है वो बाइक्स यूज हो रही हैं और मेड इन इंडिया यूज हो रही है। हमारे एक जर्नलिस्ट वहाँ पे गए हैं, आप कहें तो मैं वीडियो दिखा सकता हूँ, वो वहाँ पे रॉयल के जो शोरूम पे गए हैं और उन्होंने दिखाया कितनी मॉडर्न बाइक्स हैं वहाँ। सिलिकॉन वैली को देख लें, जैसे सिलिकॉन वैली कहाँ से कहाँ बूम कर चुके हैं, हमारे पास यहाँ पे सारा कुछ, इंजीनियर्स हमारे पास अवेलेबल, हमारे पास लेबर अवेलेबल है, जो कि एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, AI मॉडल्स बना सकते हैं, हम बना भी रहे हैं। बट असल में होता है ये कि जो आपको टैक्स के ऊपर मार खानी पड़ती है ना, हम सैलरीज के ऊपर रिबेट नहीं ले पाते। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है, इंडिया में ICC वनडे वर्ल्ड कप चल रहा है, और इसी वर्ल्ड कप को कवर करने आया पाकिस्तानी पत्रकार, उसने बुलेट को सड़कों पर देखा तो वो चौंक गया, क्योंकि ऐसी बाइकें पाकिस्तान में नहीं देखने को मिलती हैं, जबकि भारत में ये बाइकें आम हो गई है, सड़कों पर आपको ऐसी बाइकें कई जगहों पर देखने को मिल जाएगी। वहीं पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के हालात आज के समय अच्छे नहीं है, पाकिस्तान कर्ज के जाल में डूब चुका है। पाकिस्तान में क्या होगा क्या नहीं, ये भी IMF तय करता है, और इसी पर जानते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन है। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं और ये वर्ल्ड कप कवर करने वैसे तो इंडिया के हैं, लेकिन उधर जाके उनके जो ब्रांड्स हैं, जैसे खास तौर पे रॉयल उनका एक ब्रांड है, उसकी बाइक, उनकी बाइक दिखा रहे हैं, हंटर इस पे लिखा हुआ है, बहुत खूबसूरत बाइक है। मेरा बड़ा दिल कर रहा है कि इस बाइक पे मैं सवार हूँ, थोड़ा सा घूमू फिरूँ, लेकिन अभी फिलहाल मैं इनसे पूछता हूँ कि ये इसकी क्या क्वालिटी है। रॉयल एनफील्ड का भी सबसे हाई डिमांड कॉम्पैक्ट थोड़ा डिजाइनिंग में मोटरसाइकिल ये है, और इसका प्राइसिंग स्टार्ट हो जाता है 1.76 थाउजेंड। ये उनके अपने ब्रांड्स हैं, उनके वहाँ पे मैन्युफैक्चर होते हैं, वहाँ पे असेंबल होता है, सब कुछ वहाँ पे होता है। अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो उन्होंने जो अपना मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, मेड इन इंडिया को प्रमोट करते हैं, हम क्यों नहीं मेड इन पाकिस्तान को क्यों नहीं प्रमोट? मेरे ख्याल से इसके पीछे 2-3 प्राइमरी रीजंस हैं। एक तो सबसे बड़ा रीज़न मुझे लगता है इसका पॉलिटिकल रीज़न है। ठीक हो गया। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होने की वजह से ना, यहाँ पे जब कोई गवर्नमेंट स्टेबल ही नहीं होगी, ठीक है ना, तो जब गवर्नमेंट स्टेबल ही नहीं होगी तो वो कहाँ से प्रमोट करेगी इंडस्ट्रीज को? जब इन चीज़ों में मुकाबला करें, क्योंकि एट द एंड पाकिस्तान के लिए सोचना है, पाकिस्तान को भी आगे लेके जाना है और उन्हें अप्रिशिएट करें। मैं ओपनली यहाँ पे खड़ा होकर कहता हूँ, बैठ के कहता हूँ कि मैं अप्रिशिएट करता हूँ इंडिया को कि उन्होंने डेवलपमेंट की। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल न्यूट्रल होकर ना, हमें जो चीज़ अच्छी है उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, ठीक है ना, और जो चीज़ बिल्कुल सही नहीं है उनको हमें डिस्करेज करना चाहिए, ठीक है ना। अब हम इस मुकाबले की तरफ कैसे आए?